हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका खेलने दो में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 8 याकूज़ा गेम्स जो प्लेस्टेशन ने अनाउंस की हैं कि वो अपनी प्लेस्टेशन प्लस सर्विस पे लेके आ रहे हैं 2022 के आने वाले महीनों में। इनमें से 4 गेम्स अगस्त के महीने में आने वाली हैं और बाकी की 4 गेम्स आने वाले 2022 के महीनों में धीरे धीरे करके आएंगी। तो जो 4 गेम्स इस महीने में आने वाली हैं उनमें से पहली गेम है याकूज़ा लाइक अ ड्रैगन और ये आपकी प्लेस्टेशन प्लस असेंशियल पे आने वाली है। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अगर आप अभी देख रहे हो तो ये ऑलरेडी अवेलेबल है, आप जाके डाउनलोड करके इसको खेल सकते हो, एंजॉय कर सकते हो अगर आपके पास प्लेस्टेशन प्लस असेंशियल सर्विस है। उसके अलावा जो 3 याकूज़ा गेम्स हैं जो अगस्त में आने वाली हैं वो हैं याकूज़ा 0, याकूज़ा किवामी और याकूज़ा किवामी 2, और ये सब के सब प्लेस्टेशन प्लस एक्स्ट्रा और प्लेस्टेशन प्लस प्रीमियम के लिए आ रही हैं। अगर आपके पास इंडिया में प्लेस्टेशन प्लस एक्स्ट्रा या प्लेस्टेशन प्लस डीलक्स है तो ये तीनों गेम्स आप डाउनलोड करके खेल पाओगे। उसके अलावा जो बाकी 4 गेम्स हैं जो आने वाले महीनों में आने वाली हैं प्लेस्टेशन प्लस सर्विस पे, वो है याकूज़ा 3 रीमास्टर्ड, याकूज़ा 4 रीमास्टर्ड, याकूज़ा 5 रीमास्टर्ड और याकूज़ा 6 द सॉन्ग ऑफ लाइफ। इसमें से ये जो आखिरी वाली गेम है याकूज़ा 6 द सॉन्ग ऑफ लाइफ, ये प्लेस्टेशन प्लस एक्स्ट्रा और प्रीमियम दोनों पे आएगी। अगर हम इंडियन कंटेक्स्ट में बात करें तो प्लेस्टेशन प्लस एक्स्ट्रा और डीलक्स दोनों पे आएगी, लेकिन जो बाकी की 3 गेम्स हैं याकूज़ा 3 रीमास्टर्ड, याकूज़ा 4 रीमास्टर्ड और याकूज़ा 5 रीमास्टर्ड, ये सिर्फ प्लेस्टेशन प्लस प्रीमियम पे आएंगी और प्लेस्टेशन प्लस डीलक्स पे ये आनी चाहिए। तो अगर आपके पास प्लेस्टेशन प्लस असेंशियल है तो आप याकूज़ा की सिर्फ एक गेम खेल पाओगे जो कि अभी अवेलेबल है। अगर आपके पास प्लेस्टेशन प्लस एक्स्ट्रा है तो आप 8 याकूज़ा गेम्स में से 5 खेल पाओगे इस साल। अगर आपके पास प्लेस्टेशन प्लस डीलक्स है तो आप 8 की 8 गेम्स खेल पाओगे। चलिए आइए देखते हैं पहली गेम जो कि है याकूज़ा लाइक अ ड्रैगन। मैं आपको इसके बारे में कल की वीडियो में भी बता चुका हूँ जो मैंने वीडियो बनाई थी प्लेस्टेशन प्लस असेंशियल गेम्स के ऊपर, कि ये बाकी सीरीज़ के कंपैरेटिव काफ़ी डिफरेंट गेम है जो कि रोल प्लेइंग एलिमेंट इंट्रोड्यूस करता है गेम में। ये 2022 में सेगा ने लॉन्च की थी। बाय द वे, ये पूरी याकूज़ा सीरीज़ सेगा कंपनी द्वारा पब्लिश की जाती है। तो ये गेम जो है वो 2022 में लॉन्च हुई थी। इसका जो मेटाक्रिटिक स्कोर है वो 86 out of 100 है। इसमें आपको 63 ट्रॉफीज़ जीतने को मिल सकती हैं, जिसमें 1 गोल्ड ट्रॉफी, 3 सिल्वर ट्रॉफीज़ और 58 ब्रॉन्ज ट्रॉफीज़ हैं। जो इसकी डिफ़िकल्टी है वो है 5 out of 10 और इसको आप 80 आवर्स में एक प्ले थ्रू में इसकी प्लैटिनम आप जीत सकते हो। इसकी जो प्लैटिनम ट्रॉफी है वो एक रेयर ट्रॉफी है जो 16.5% प्लेयर्स ने अचीव की हुई है। जो दूसरी गेम है याकूज़ा 0, वो एक एक्शन एडवेंचर गेम है जो कि ये पूरी की पूरी याकूज़ा सीरीज ही एक एक्शन एडवेंचर गेम है, खाली 2 गेम्स को छोड़ के। तो ये जो आपकी याकूज़ा 0 है ये 2015 में लॉन्च हुई थी और इसका मेटाक्रिटिक स्कोर है 85 out of 100। इसमें 55 ट्रॉफीज़ आप जीत सकते हो, जिसमें 2 गोल्ड, 6 सिल्वर और 46 ब्रॉन्ज ट्रॉफीज़ हैं। इसके डिफ़िकल्टी 7 out of 10 है और इसको आपको प्लैटिनम करने में लगेंगे 140 आवर्स और 2 प्ले थ्रूज। इसकी जो प्लैटिनम ट्रॉफी है वो है अल्ट्रा रेयर जो कि 4.3% प्लेयर्स ने अचीव की है। तीसरी गेम याकूज़ा किवामी, ये भी एक्शन एडवेंचर गेम है जो कि 2016 में सेगा ने लॉन्च की थी और इसका मेटाक्रिटिक स्कोर है 80 out of 100। इसमें आप 55 ट्रॉफीज़ जीत सकते हो, जिसमें 2 गोल्ड, 6 सिल्वर और 46 ब्रॉन्ज ट्रॉफीज़ हैं। इसके डिफ़िकल्टी 7 out of 10 है और अगेन आपको 80 आवर्स लगेंगे 2 प्ले थ्रूज़ में प्लैटिनम जीतने के लिए। प्लैटिनम भी अल्ट्रा रेयर है जो 3% प्लेयर्स ने जीती है। चौथी गेम याकूज़ा किवामी, ये भी एक्शन एडवेंचर गेम है जो 2018 में लॉन्च की सेगा ने
और इसका मेटा क्रिटिक स्कोर है 85 out of 100। इसमें आप 59 ट्रॉफीज जीत सकते हो, जिसमें एक गोल्ड, 7 सिल्वर ट्रॉफीज और 50 ब्रॉन्ज ट्रॉफीज हैं। इसके डिफ़िकल्टी 6 out of 10 है और आप इसको 80 आवर्स में प्लैटिनम कर सकते हो 2 प्ले थ्रूज में। इसकी प्लैटिनम एक रेयर ट्रॉफी है जो कि 12.6% प्लेयर्स ने अचीव की हुई है। पांचवी गेम, याकूजा 3 रीमास्टर्ड। ये आपकी ओरिजिनल याकूजा 3 से डिफरेंट है जो PS3 पे लॉन्च हुई थी। जितनी भी ये याकूजा की रीमास्टर्ड गेम्स हैं, ये सारी की सारी PS3 वर्जन से डिफरेंट हैं जो कि रिसेंटली लॉन्च हुई हैं। तो याकूजा 3 रीमास्टर्ड भी एक एक्शन एडवेंचर रोल प्लेइंग गेम है जो 2022 में लॉन्च हुई। इसका मेटाक्रिटिक स्कोर है 79 out of 100 और इसमें भी आप 50 ट्रॉफीज जीत सकते हो, जिसमें 3 गोल्ड, 3 सिल्वर और 43 ब्रॉन्ज हैं। इसकी डिफ़िकल्टी बहुत हाई है, 8 out of 10, और आपको 100 आवर्स लगेंगे 2 प्ले थ्रूज में इसको प्लैटिनम करने के लिए। इसकी प्लैटिनम अल्ट्रा रेयर ट्रॉफी है जो कि सिर्फ 1.3% गेमर्स ने अचीव की है। नेक्स्ट है हमारी याकूजा 4 रीमास्टर्ड जो कि 2019 में लॉन्च हुई। इसका मेटाक्रिटिक स्कोर है 77 out of 100 और इसमें 48 ट्रॉफीज आपको जीतने को मिलेंगी, 3 गोल्ड, 7 सिल्वर और 37 ब्रॉन्ज। इसकी डिफ़िकल्टी है 6 out of 10 और आप इसको 80 आवर्स में प्लैटिनम कर सकते हो 3 प्ले थ्रूज में। इसकी प्लैटिनम भी एक अल्ट्रा रेयर ट्रॉफी है जो कि 2.5% गेमर्स ने जीती हुई है। अगली गेम है हमारी याकूजा 5 रीमास्टर्ड जो कि 2020 में लॉन्च हुई थी। इसका मेटाक्रिटिक स्कोर है 83 out of 100 और इसमें आपको 57 ट्रॉफीज़ मिलेंगी, जिसमें 2 गोल्ड, 4 सिल्वर और 50 ब्रॉन्ज ट्रॉफीज़ हैं। इसकी भी डिफ़िकल्टी 7 out of 10 है और इसको आपको लगेंगे 120 आवर्स प्लैटिनम करने को 2 प्ले थ्रूज में। इसकी प्लैटिनम भी अल्ट्रा रेयर ट्रॉफी है जो कि 1.3% गेमर्स ने जीती हुई है। और आखिरी हमारी गेम है याकूजा 6 द सॉन्ग ऑफ लाइफ। इसका मेटाक्रिटिक स्कोर है 83 out of 100 और इसमें आपको जीतने को मिलेंगे 59 ट्रॉफीज, जिसमें 1 गोल्ड, 7 सिल्वर और 50 ब्रॉन्ज ट्रॉफीज हैं। ये इस पूरी सीरीज की सबसे इजी गेम है, जिसकी डिफ़िकल्टी है 3 out of 10 और इसको आपको लगेंगे 40 आवर्स प्लैटिनम करने में 1 प्ले थ्रू में। इसकी प्लैटिनम ट्रॉफी अनकॉमन है और 27% गेमर्स ने अचीव की हुई है। तो जैसे आपने देखा कि सारी की सारी याकूजा गेम्स बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, आपको बहुत टाइम लगेगा उनका प्लैटिनम जीतने में, और अगर आप याकूजा सीरीज़ के फ़ैन हो तो आपके लिए बहुत ही बड़ा साल है ये। आप आराम से सारी की सारी गेम्स खेल सकते हो और सारी की सारी ट्रॉफीज जीतने की कोशिश कर सकते हो। मुझे बताना आप कौन कौन सी गेम्स खेलने में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड हो पहले, और आप कौन कौन सी गेम्स खेलने वाले हो। देखते हैं कोई अगर ये सारी 8 गेम्स की प्लैटिनम ट्रॉफी जीतता है। बहुत इंटरेस्टिंग होगा अगर किसी ने 8 की 8 प्लैटिनम ट्रॉफीज जीती इस साल। चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें इस वीडियो को, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक ख्याल रखिए।